बहुत जल्द दिल्ली से बनारस के बीच चलने के लिए शुरू होने वाली ट्रेन 18 में यात्रियों के लिए खाना लेना अनिवार्य होगा। बता दें कि आमतौर पर ट्रेनों में खाना लेना या ना लेने के विकल्प यात्रियों के पास होता है। शताब्दी, राजधानी और दुरंतरों जैसी बाकी प्रीमियम ट्रेनों में खाना लेना या ना लेना यात्रियों पर निर्भर करता है, लेकिन ट्रेन 18 में ऐसा नहीं होगा। इस ट्रेन में सफर के दौरान केवल प्रयागराज से वाराणसी जाने वाले यात्रियों के पास ही IRCTC की ओर से दिए जाने वाले खाने के विकल्प को मना करने का अधिकार होगा। लेकिन अगर यात्री ने खाना नहीं लेने का विकल्प चुन लिया है और उसे बाद में खाना चाहिए तो ₹50 अलग से देना पड़ेगा। ये उसे टिकट लेते समय ही तय कर लेना होगा कि खाने का पैसा उनकी टिकट में नहीं जोड़ा जाएगा। वहीं अन्य यात्रियों के लिए खाने का पैसा किराया में शामिल होगा, यानी वे खाने का विकल्प चुनने से इनकार नहीं कर सकते। गौरतलब है कि ये ट्रेन 15 फरवरी से शुरू होगी और इसकी पहली यात्रा दिल्ली से वाराणसी के बीच होगी। साल 2017 में IRCTC ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी ट्रेनों में खाना लेने को विकल्प बना दिया था। ये खाने की गुणवत्ता को सुधारने, खाने की बर्बादी रोकने और पैसों की शिकायत पर काबू पाने के लिए किया गया था। इस फैसले के चलते इस ट्रेनों के टिकट की कीमतों पर ₹250 तक की कमी आई थी। बता दें कि ट्रेन 18 में दो तरह के डिब्बे होंगे, जिसमें से एक एग्जीक्यूटिव और दूसरा चेयर कार है। इन दोनों ही डिब्बों में खाने की कीमत अलग अलग होगी। दिल्ली से वाराणसी तक एग्जीक्यूटिव क्लास के यात्रियों को सुबह के चाय नाश्ते के लिए ₹399 देने होंगे, जबकि चेयर कार वालों को ₹344 देने होंगे। इसके अलावा नई दिल्ली से कानपुर और प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए एग्जीक्यूटिव क्लास वालों को ₹155 और चेयर कार वालों को ₹122 देने होंगे।